आपकी वीडियो YouTube व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं ला रही, हो सकता है कि आप एक छोटी सी बट सबसे पावरफुल चीज मिस कर रहे हो, YouTube SEO सेटिंग्स। इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट सेटिंग्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो आपकी वीडियो को सर्च रिजल्ट के टॉप पर लेकर जा सकती है और आपके चैनल को भी वायरल कर सकती है। तो अगर आप जेन्युइनली अपने चैनल की ग्रोथ चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरा देखना। सेटिंग नंबर 1, टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये सेटिंग तो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इसको ऑन नहीं किया तो आपका चैनल हैक भी हो सकता है। तो सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जीमेल को ओपन कर लेना है, देन मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जिसमें सिक्योरिटी के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। मेक श्योर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन एनेबल हो, अगर नहीं है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिसमें आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आप किसी भी ऑप्शन के साथ अपने चैनल की टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो। यूजली बहुत से यूट्यूबर्स अपने फोन नंबर से टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं, सो मेक श्योर दिस ऑप्शन इज एनेबल फॉर योर चैनल, क्योंकि इसके बिना आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं कर सकते। सेटिंग नंबर 2, बेसिक इन्फो सेटिंग्स। अगर आपका चैनल यूट्यूब के सर्च इंजन पे शो नहीं कर रहा तो अगली सेटिंग आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें अपने YT स्टूडियो के अंदर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपने चैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसमें सबसे पहले हमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कीवर्ड्स वाले सेक्शन में आपके YouTube चैनल के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को ऐड करना है, जिसमें सबसे पहले आपने अपने चैनल नेम को कई बार अलग अलग तरीके से ऐड करना है, जिससे अगर कोई आपके चैनल को YouTube पे गलत भी सर्च कर ले तो भी आपका चैनल YouTube पे शो कर सकता है। चैनल नेम के अलावा आपने चैनल नीच के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को ऐड करना है, जिससे आपकी वीडियो YouTube के सर्च पे रैंक हो सकती है। बाकी कीवर्ड रिसर्च को मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सेटिंग नंबर 3, ऑडियंस सेटिंग्स। तो इसमें आपको बेसिक इन्फो के साथ वाली एडवांस सेटिंग्स पर चले जाना है, जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स। तो व्यूअर्स का यस वाले ऑप्शन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन को अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपके चैनल को काफी भारी लॉस हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन उन चैनल्स के लिए है जहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों की वीडियोस को दिखाया जाता है, लाइक टॉम एंड जेरी शो, और इसमें आपको कमेंट का ऑप्शन भी डिसेबल मिलेगा, मतलब आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते। और तो और इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप कम्युनिटी पोस्ट के ऑप्शन को भी यूज नहीं कर पाओगे। सो इफ यू आर टारगेटिंग जनरल ऑडियंस देन सिलेक्ट दिस ऑप्शन, नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, जिसमें 13 साल के ऊपर की सारी ऑडियंस कवर हो जाती है, मतलब YouTube आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा पाएगा। ऑल्दो अगर आपकी ऑडियंस 13 साल से कम आयु की है तो आप यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना। सेटिंग नंबर 4, फीचर एलिजिबिलिटी। हमारी अगली सेटिंग्स YouTube मोनेटाइज और चैनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको एडवांस सेटिंग्स के साथ में फीचर एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, स्टैंडर्ड फीचर, इंटरमीडिएट फीचर एंड एडवांस फीचर। सेटिंग्स में स्टैंडर्ड फीचर ऑलरेडी एनेबल होगा, लेकिन आपको बाकी के दो ऑप्शंस को मैनुअली ऑन करना होगा। इंटरमीडिएट फीचर में आपको अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए कस्टम थंबनेल बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू लाइव स्ट्रीमिंग, और तो और आपको 15 मिनट से ऊपर वीडियो बनाने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है एडवांस फीचर, ये तभी एनेबल होगा अगर आपने इंटरमीडिएट फीचर को एनेबल किया होगा। तो मेक श्योर कि आप अपने फोन नंबर से इंटरमीडिएट फीचर को पहले वेरीफाई कर ले। तो एडवांस फीचर में आपको यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग कई सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में आपको वीडियो वेरिफिकेशन या वैलिड आईडी वेरिफिकेशन में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना है, जिसे आप काफी इजीली अपनी मेल आईडी से अपने चैनल को वेरीफाई कर पाओगे। तो इस ऑप्शन को एनेबल होने में सिर्फ एक दिन का समय लगेगा। सेटिंग नंबर 5, अपलोड डिफॉल्ट। ये सेटिंग उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो लोग अपने डिस्क्रिप्शन में एक ही तरह के सोशल मीडिया लिंक्स को ऐड करते हैं। तो इसमें बेसिकली इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोई दूसरे इंपॉर्टेंट लिंक्स हो सकते हैं, जिन्हें आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। तो सिंपली आपको सेटिंग में अपलोड डिफॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे लिंक्स ऐड करने हैं जो आप हर बार नई वीडियो अपलोड करते समय ऐड करते हो। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको टाइटल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको आप एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। तो गलती से भी आपने पब्लिक के ऑप्शन को सिलेक्ट
सिलेक्ट नहीं करना, बिकॉज इफ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन योर वीडियो विल इमीडिएटली गो पब्लिक आफ्टर अपलोड, जो कि यूट्यूब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एक खराब सेटिंग है। तो आप अपनी वीडियो के लिए प्राइवेट या अनलिस्टेड में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको यूट्यूब एसईओ करने के बाद ही अपनी वीडियो को मैन्युअली पब्लिक करना है। इसके बाद आप टैग्स के ऑप्शन में उन कॉमन कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो जिसे आपको नई वीडियो अपलोड करते समय बार बार डालना पड़ता है, जिसमें नॉर्मली आपके चैनल का नेम या प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है। अब जब आप यूट्यूब चैनल में किसी भी नई वीडियो को ऐड करोगे, उसमें आपकी अपलोड डिफॉल्ट की ये सेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। आपको अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में रेपिटेटिव लिंक को बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, और विजिबिलिटी में आपकी वीडियो अनलिस्टेड में ही सिलेक्ट रहेगी। और आपने जिन भी टैग्स को अपलोड डिफॉल्ट की सेटिंग्स में डाला होगा, वो नई वीडियो डालते समय ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। सेटिंग नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग परमिशन सेटिंग्स। अगली सेटिंग को समझना आपकी YouTube चैनल मैनेजमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको अपलोड डिफॉल्ट के नीचे परमिशंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन को अपने चैनल मैनेजमेंट के रोल के लिए असाइन कर सकते हो। इस ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए आपने इनवाइट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको अलग अलग रोल के ऑप्शंस मिलेंगे। मैनेजर के ऑप्शन में पर्सन के पास चैनल के कंटेंट को अपलोड करने से लेकर उसे रिमूव करने की पूरी अथॉरिटी होगी। एडिटर के ऑप्शन में पर्सन को मैनेजर की सारी पावर मिलेंगी, बस वो कंटेंट को रिमूव नहीं कर पाएगा। एडिटर लिमिटेड के ऑप्शन में पर्सन के पास एडिटर की सारी पावर होंगी, पर वो आपके चैनल की वीडियो की अर्निंग को नहीं देख पाएगा। सबटाइटल एडिटर में पर्सन आपकी वीडियो के कैप्शंस को एडिट कर सकता है, और व्यूअर्स के ऑप्शन में पर्सन आपके YT स्टूडियो को देख सकता है, लेकिन उसमें किसी भी चीज को एडिट या रिमूव नहीं कर सकता। और व्यूअर लिमिटेड में पर्सन आपकी अर्निंग को छोड़कर सब कुछ देख सकता है, तो इसमें आप पर्सन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी रोल को असाइन कर सकते हो। सेटिंग नंबर 7, हिडन यूजर एंड ब्लॉक वर्ड्स ऑप्शन। अगर कोई यूजर आपके चैनल पर कुछ गलत कमेंट कर रहा है, जब बार बार एक ही तरह का कमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सेटिंग आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिंपली आपको YouTube सेटिंग के कम्युनिटी मॉडरेशन के ऑप्शन पे चले जाना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको हिडन यूजर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको उस यूजर के URL को डालना है जो आपके चैनल पर कुछ गलत कमेंट कर रहा है या स्पैम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सेटिंग को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने अपने डमी अकाउंट पे अपनी इस वीडियो पे कमेंट किया, अगर मुझे इसको हाइड करना है तो मैं सिंपली इस ID के URL को कॉपी करूंगा, जिसके बाद मैं कम्युनिटी मॉडरेशन के हिडन यूजर वाले सेक्शन पर इसे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद इस चैनल ID से रिलेटेड जो भी कमेंट होगा वो YouTube अपने आप हाइड कर देगा, और ये यूजर फ्यूचर में मुझे कभी भी कमेंट नहीं कर पाएगा। हिडन यूजर के अलावा आपको नीचे स्क्रॉल करने पर ब्लॉक वर्ड्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप किसी भी तरह के स्पैम या इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स को अपने चैनल पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जिससे YouTube उन वर्ड्स से रिलेटेड सभी कमेंट्स को आपकी वीडियो से हाइड कर देगा, और कोई भी यूजर फ्यूचर में इस तरह का कमेंट नहीं कर पाएगा। सेटिंग नंबर 8, चैनल कस्टमाइजेशन सेटिंग्स। YouTube SEO पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको चैनल कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे चले जाना है, जिसमें आपको ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बैनर, लोगो, चैनल नेम एंड हैंडल। इसके अलावा इस सेटिंग में डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज YouTube के एल्गोरिदम को बताती है कि आपका चैनल किस बारे में है। अच्छे चैनल डिस्क्रिप्शन में आपका चैनल नेम, कीवर्ड्स, टॉपिक सब कुछ काफी अच्छे से मेंशन होना चाहिए। रेफरेंस के तौर पर आप किसी भी बड़े यूट्यूबर के अबाउट सेक्शन में जाकर उसके डिस्क्रिप्शन को रीड कर लेना, आपको इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं इस पे एक अलग से वीडियो लाऊंगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या अपने चैनल से रिलेटेड किसी भी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो। लिंक्स का ऑप्शन सोशल मीडिया मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लिंक्स के नीचे ही आपको कॉन्टेक्ट इन्फो में ईमेल ID लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो आगे जाकर आपके लिए स्पॉन्सर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आपका चैनल ग्रो हुआ तो बड़े बड़े स्पॉन्सर आपके इस ईमेल ID से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट मिस दिस ऑप्शन। इसमें आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक सेपरेट ईमेल ID का यूज करें। इसके नीचे ही आपको वॉटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा, जो यूजली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद कस्टमाइजेशन में ही आपको होम टैब का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ऑप्शन काफी इम्पोर्टेंट है। इस ऑप्शन की मदद से आप यूट्यूब के होम पेज को डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम अपनी होम टैब को ऑन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें आपको अलग अलग सेक्शंस चूज करने के ऑप्शन मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पॉपुलर वीडियो के सेक्शन को सिलेक्ट करूं, तो वो सेक्शन मेरे यूट्यूब होम पेज पे अलग से शो करेगा। पॉपुलर वीडियो के अलावा यहाँ पे आपको और भी बहुत से सेक्शंस मिलेंगे, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिंगल प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन की मदद से आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट को अपने होम पेज पे दिखाना है। जैसे मेरी यूट्यूब ऑटोमेशन की वीडियो का
काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं इसे अपने होम पेज के सेक्शन के लिए ऐड कर लेता हूँ, जिसके बाद मेरे यूट्यूब पेज पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मेरी तरह आप भी काफी इजीली अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छा सा होम पेज बना सकते हो। तो दोस्तों, आपके पास वो सभी इम्पोर्टेंट यूट्यूब एसईओ सेटिंग का नॉलेज है जो आपके चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगी। तो अगर आप इन सेटिंग्स को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हो तो इस चीज की पूरी गारंटी है कि आपका चैनल यूट्यूब पे काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और हाँ, मेरी अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से यूट्यूब वीडियो को विद प्रॉपर सेटिंग्स के साथ यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, तो वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तब तक आप एंड स्क्रीन में दी गई इस वीडियो को क्लिक करके यूट्यूब कैप्शन क्रिएट करना सीख सकते हो, जो कि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।